अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। आज हम बना रहे हैं अचारी माश की दाल। ये मेरे पास एक पाव माश की दाल है जिसे 2 घंटा पहले भिगोया था। ये 2 मीडियम साइज प्याज ली थी जिनको छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। ये 1 मीडियम साइज का टमाटर स्लाइसेस में कटा हुआ, 1/2 कटोरी ऑयल है, 6-7 हरी मिर्चें हैं जिनको सेंटर में कट लगा के 1 चुटकी चाट मसाला भर दिया था। ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट है। ये अचारी मसाले हैं। ये 1.5 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें है राई, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून कलौंची, 1 टीस्पून क्रश्ड सूखा धनिया। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे दाल के लिए। सबसे पहले ये ऑयल डालेंगे, इसमें ये प्याज डालकर लाइट गोल्डन करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे और मज़ीद इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट फ्राई हो रहा है। लहसुन अदरक पेस्ट फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टमाटर और ये तमाम सूखे मसाले डालकर इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह नरम पक जाए। थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको भूनेंगे ताकि मसाला ना जले। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। मसाले में दाल डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। मैंने भूनते वक्त इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाली थी। दाल अच्छी तरह भून चुकी है। इसको 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो हीट पर अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने जिस कटोरी से दाल को लिया था उसी कटोरी से नाप के पानी डाला है। ये 1 कटोरी दाल थी, किनारे तक पूरा 1 लेवल करके मैंने भरी थी और 1.5 कटोरी पानी डाला इसमें। आप अंदाजन भी पानी डाल सकते हैं। दाल में पानी इतना डालें कि वो दाल सिर्फ ढक जाए। दाल को मैंने प्रेशर लगा दिया है। जब विसल बोलने लगेगी तो 1 मिनट सिर्फ विसल को चलाना है, उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। 1 मिनट तक मैंने विसल को चलाया है, उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। दाल बिल्कुल रेडी है। समटाइम इसमें थोड़ी सी कसर रह जाती है तो उस सूरत में इसको ढककर 5 से 10 मिनट दम लगा लेते हैं। दाल के ऊपर मैंने 1 चुटकी गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया था। फ्राइंग पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, इसमें हरी मिर्चें और 1 चुटकी ज़ीरा डालकर हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर इसको दाल के ऊपर डालकर सर्व करेंगे। ये सब्ज़ मिर्चों को सिर्फ 1 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई किया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अचारी माश की दाल विथ स्टफ्ड ग्रीन चिली रेडी है। मैंने इसे टेस्ट किया, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।